अगली फिजिकल क्वांटिटी हमने लेनी है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसका होता है? जिस ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और उसके अंदर चार्जेस को चलना एक्सपेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस देके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर के सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे प्लस की तरफ, इसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जो मटेरियल होता है, जो मीडियम होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उस मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कभी तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है और कभी उसको अपोज करता है। कोई कोई मटेरियल फ्लो होने देता है और कोई मटेरियल अपोज करता है। हर मटेरियल थोड़ा ना थोड़ा अपोजिशन क्रिएट करता है, तो जो अपोजिशन क्रिएट होता है उसका हमने नाम रखा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक जनरल शब्द है, हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। रेसिस्टेंस मीन्स अपोजिशन। सो एन अपोजिशन क्रिएटेड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक करंट इज रेसिस्टेंस। पहले इसको नोट करिए फिर आगे लिखते हैं। रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन। रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन क्रिएटेड बाय ए कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक करेंट। टू अपोज द इलेक्ट्रिक करेंट। अब उसके बाद ये रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट हो जाता है, ये उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर होती भी है, बाहर से हम नहीं देते। ये कैसे क्रिएट होता है? तो इसका आंसर है कि करंट कैसे फ्लो होती है, तो आंसर है करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन से। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक दूसरा आयन या एटम आ सकता है जिससे वो टकरा जाएंगे। अगर वो टकराएंगे तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो टकराने के बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उनको इफेक्ट लगाएगा और उसके इफेक्ट के कारण फिर से उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। फिर वो दूसरी बार टकराएंगे, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, तीसरी बार टकरा जाएगा। एक सेकेंड में एक मटेरियल ऐसा था, उसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन था एटम्स का कि एक सेकंड में ड्रिफ्ट होते होते 10 बार इलेक्ट्रॉन टकरा गया, और दूसरा मटेरियल ऐसा था कि एक सेकंड में सिर्फ 3 बार टकराया। तो किसने ज्यादा रेसिस्ट किया? जिसने 10 बार टकराया, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। तो रेसिस्टेंस किसके कारण होता है? तो आंसर है रेसिस्टेंस होता है कोलिजन के कारण। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का फंडामेंटल कॉज क्या है? कोलिजन्स इनसाइड द कंडक्टर। तो लिखिए द बेसिक कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इज द कोलिजन्स ऑफ चार्ज कैरियर collisions of charge carriers with atoms oblique ions during the drift full stop। इसमें आप इसका ना एक natural outcome देख सकते हैं, जब भी कोई दो चीजें टकराती हैं कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, और वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट। तो लिखिए ड्यू टू दिस कोलिजन हीट इज द नेचुरल आउटकम। ड्यू टू दिस कोलिजन हीट इज द नेचुरल आउटकम। और ये वाले सेंटेंस को ब्रैकेट में रखिए क्योंकि इसका अभी रेसिस्टेंस से रिलेशन नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि रेसिस्टेंस जरूरी हो गया हीट निकलने के लिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में रेसिस्टेंस है ही नहीं तो वो हीट क्रिएट नहीं कर सकता।
क्योंकि हीट किससे बनेगी, कोलिजन से। दूसरा हम ये भी समझ गए कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, और अगर कोलिजन ज्यादा होंगे तो हीट भी ज्यादा होगा। सो दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो दैट इज रेसिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं? आंसर है यस, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने का तरीका है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बैटरी से, किसी भी चीज से। ये दो पॉइंट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, और इसकी ये डिस्टेंस है L। तो V अपॉन L क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल चलेंगे, कोलाइड होंगे, और इसमें रेसिस्टेंस क्रिएट होगा R। अब ये जो करंट फ्लो होगी उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारे पास, उसको करंट को नापने का तरीका है। करंट को किस तरह से नापा जाता है वो उसके इफेक्ट से हम लोग उसको नापते हैं, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हेन वी गो फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना मैग्नेटिज्म वो बनाती है हम उससे उसको नाप लेते हैं। एनीवे अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने इन दोनों में लगाया हुआ है वी, then V upon I, this gives the resistance. तो resistance किसके बराबर होता है? V upon I. Okay, ये resistance का measurement. अब इससे बाद हम लोग study करते हैं Ohm's law. उसमें फिर ये रेसिस्टेंस आएगा और डिटेल में आएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप लोग पहले क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ओके, एक लाइन उसकी लिख लीजिए। करंट इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, अप्लाइड अक्रॉस इट, दैट इज V is proportional to I. Potential difference is proportional to electric current. Or V is equal to R into I. Where R is a constant. R is a constant called resistance. R is a constant called resistance of conductor. जिस फील्ड में, जिस मीडियम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये मीडियम एक कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका वो क्या बनेगा? रेसिस्टेंस। अब इसी को हम लोग और टर्न कर सकते हैं। अब व्हाट इज ए रेसिस्टेंस? वी अपॉन आई, दिस इज रेसिस्टेंस। हाउ मच इज द करंट इन ए सर्किट? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर और आई का रिलेशन देखिए, अगर एक सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो जितना रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है? तो रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इसलिए रेसिस्टेंस डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ करंट, ये रिलेशन बनता है। ओके, आर की यूनिट, यूनिट
unit of resistance is equal to ohm और इसका सिंबल लिखा जाता है ग्रीक में ओम. तो दिस इज ओम यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस. नाउ हाउ मच रेसिस्टेंस इज 1 ohm. हाउ मच रेसिस्टेंस इज 1 ohm. किसी भी तार में अगर हम बोलते हैं कि इसका रेसिस्टेंस 1 ohm है तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी हमको, कैसे हमको पता लगेगा कि उसका रेसिस्टेंस 1 ohm है. तो आंसर है इसके साथ हमने मीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर सब लगा दिए. जब हम इसकी करंट को बढ़ाते जाएंगे और इसकी वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, इसका वोल्टेज हमने कर दिया 1 volt. जैसे ही 1 volt करते हैं इसकी करंट 1 ampere हो जाती है. वोल्ट कितना लगाया हमने 1, करंट कितनी हो गई 1, तो रेसिस्टेंस कितना होगा इसका 1. तो 1 ohm रेसिस्टेंस नोट करिए, 1 ohm इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर. 1 ohm इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इन विच करंट इज 1 ampere. करंट इज 1 ampere व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 volt. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 volt. ठीक, उस तार का ये रेसिस्टेंस होगा 1. नेक्स्ट लिखिए प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ. Thank you.
टर्म्स में v अपॉन i का एक्सप्रेशन बनाइए. इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्योंकि v अपॉन i भी क्या होता है, रेसिस्टेंस. इलेक्ट्रॉन का E और इलेक्ट्रॉन का M, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, भले कोई भी मटेरियल हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, E और M हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट्स. तो ये जो हमने बनाया V अपॉन I इज दिस, इसमें ये है E और ये है M. तो E एंड M आर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट. ओके, अब उसके बाद दूसरा कॉन्स्टेंट देखिए. हमने जो सैंपल लिया वो एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना है मान लीजिए या कॉपर का बना है. जब हम उसमें करंट पास करते हैं, उसके साथ खींचते हैं, दबाते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, करंट पास करते हैं, तो मटेरियल चेंज नहीं होता. अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा. इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो मटेरियल के साथ कांस्टेंट रहती है? आंसर है एन. एन इज ए कांस्टेंट. अच्छा, तो ये किसका कांस्टेंट है? मटेरियल का कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का नहीं है. याद आया, इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट कौन कौन है? E और N. N किसका कांस्टेंट है? मटेरियल. उसके बाद एक ये कांस्टेंट देखिए, टाउ. टाउ की अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन टाउ बदलता है. किसके साथ बदलता है? टेम्परेचर के साथ. अगर हम पर्टिकुलर कंडीशन में टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो टाउ क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट. So, N और tau for given material, tau is constant for given material, N is constant. For given temperature, tau is constant. हमको एक यूरेनियम का या एल्यूमिनियम का किसी भी मेटल का एक तार दिया गया है कि इसमें आप V चेंज करो, I चेंज हो जाएगा. जब हम उसमें V चेंज कर रहे हैं, I चेंज हो रहा है, तो क्या उस तार की लेंथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही. और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई वो भी चेंज नहीं हो रही. लेकिन अगर उसी एल्यूमिनियम का हम एक दूसरा टुकड़ा लेकर आते हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी और उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा. लेकिन जब तक एक सैंपल हमारे हाथ में है तब तक लेंथ और एरिया चेंज नहीं होगा. तब चेंज होगा जब हम सैंपल बदली करेंगे. भले एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम रहे, टेम्परेचर भी सेम रहे, मेटल भी सेम रहे, लेकिन अगर हमने सैंपल चेंज कर दिया तो क्या बदल गया? लेंथ भी और एरिया. लेकिन सैंपल नहीं चेंज किया तो लेंथ और एरिया दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट. सो फॉर गिवन सैंपल क्या क्या कांस्टेंट है? एल एंड ए आर कांस्टेंट.
अब ये देखिए इस क्वांटिटी में यहां पर मिलाइए एम और ई, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन मटेरियल कांस्टेंट, टाउ टेम्परेचर कांस्टेंट, एल एंड ए फॉर गिवन सैंपल कांस्टेंट्स। तो सब की सब क्वांटिटी कैसी हो गई कांस्टेंट, देयरफॉर बी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज ओम्स लॉ। इस तरह से हम ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। तो इसमें ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए एक मेथड काम आता है, दूसरा आपको इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू याद रखने के लिए एक क्वेश्चन याद रहना चाहिए, हाउ मच इज रेसिस्टेंस इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए। ये आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओके, तो ये रेसिस्टेंस और प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद अगली चीज हम पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय, का भी दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन सैंपल, अगर हमारे पास एक मटेरियल है इसका कुछ रेसिस्टेंस है और हम इसकी लंबाई को बढ़ा दें तो ये रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। उसको भी समझ में आ रहा है, अंदर जो कोलिजन हो रहे हैं जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, और अगर उतने कोलिजन ज्यादा होंगे तो उतना रेसिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाएगा। सो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा, अगर हम उसकी मोटाई को बढ़ा देंगे, एरिया ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये टू लेन सड़क से एट लेन सड़क बन जाएगी और वहां जाने में हमको ज्यादा आसानी होगी, तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो जैसे ही एरिया को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे then resistance is proportional to L upon A. Resistance is proportional to L upon A. अगर इसको equate करेंगे then R is equal to rho L upon A. This is a constant of proportionality. Rho is a constant called specific resistance. Or resistivity. Specific resistance or resistivity. अब इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम एल को बना देते हैं 1 मीटर और इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, 1 और 1, तो रो किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंस। इफ एल इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, देन रो इज इक्वल टू आर। ओके, इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखिए, देयरफॉर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, देयरफॉर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस across
resistance across its two faces having area of cross section one square meter and located at distance of one meter. ठीक है, ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका मतलब इधर देखिए, इसका मतलब ये है वन मीटर, ये है वन स्क्वायर मीटर, और ये इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, वन मीटर। ये वाले ब्लॉक का जो रेसिस्टेंस होगा जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका जो रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब हमने बाकी सब चीजों को क्या कर दिया है, वन वन वन, ये हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसी को क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। किसकी रेसिस्टिविटी, जिस चीज से ये बना हुआ है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है उसकी रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसके लिए हम लोग कभी क्यूब की डेफिनेशन भी यूज करते हैं। अगर हमने ये ऐसा क्यूब लिया जिसका हर साइड वन है, तो ये एरिया वन, ये भी वन, ये भी वन, इनके बीच का डिस्टेंस वन, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब में अपोजिट फेसेस के बीच जो रेसिस्टेंस होगा वो हमारी शर्त को पूरा करता है। इसका एरिया वन, इसका एरिया वन, बीच का डिस्टेंस वन है, इसका जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए अदर डेफिनेशन, द रेसिस्टेंस ऑफ द यूनिट क्यूब, द रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब अक्रॉस Across two opposite faces. एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई इसकी। एक्चुअली रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही होता है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस होता है, पर जब हम दो चीजों का रेसिस्टेंस कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि शक्कर महंगी होती है कि सोना महंगा होता है, शक्कर सस्ती होती है, तो ठीक है आप मुझे एक ट्रक शक्कर सप्लाई कर दीजिए और मुझे 5 ग्राम सोना नहीं चाहिए, क्या लेना पसंद करेंगे आप? तो ये कंपैरिजन का तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर को हम एक ट्रक ले रहे हैं और सोने को हम 5 ग्राम ले रहे हैं, तो हम दोनों का प्राइस कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते। वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमको बाकी सारे पैरामीटर बराबर करने पड़ेंगे कि शक्कर और सोने में कौन महंगा है। तो आप क्या बोलेंगे, पहले दोनों का 10-10 ग्राम लो, उसका प्राइस बनाओ। इसी तरह से जब हम दो मटेरियल का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो एक कॉपर की तार में लेकर आता हूं उसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, एक एल्युमिनियम की केबल लेकर आता हूं उसका रेसिस्टेंस है 2 ओम, तो आप क्या बोलेंगे, कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, एल्युमिनियम, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम है, 2 ओम है, तो वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, पर एल्युमिनियम ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। अभी 2 ओम को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसका एरिया बहुत मोटा कर दिया और
कॉपर का एरिया बहुत पतला कर दिया है, तो इससे आपको क्लियर कट कंपैरिजन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में एल भी आता है और ए भी आता है, तो इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि सबका लेंथ कितना कर दिया जाए 1, सबका एरिया कितना कर दिया जाए 1, उसके बाद जो रेसिस्टेंस उसका मिलेगा उसी रेसिस्टेंस का नाम क्या है? रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अलग से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये रेसिस्टेंस ही है, सिर्फ इसमें हमने क्या कंपल्शन कर दिया, लेंथ 1 होनी चाहिए और एरिया भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट बताइए, यहां से देखते हैं रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट लिख लीजिए ओम मीटर। अब उसके बाद इसका क्वेश्चन किस तरह का आता है और जो हमसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये एक रेसिस्टेंस वायर है, इस रेसिस्टेंस वायर को मैं खींच के डबल लेंथ का कर दूं दुगना, तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? तो आंसर क्या होगा? दिस विल नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में लेंथ का और एरिया का कोई रोल नहीं है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है और जब तक हम मटेरियल नहीं बदलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं बदलेंगे। समझ आया? जैसे अगर हमारे पास चावल का रेट है 20 रुपीज पर केजी, अगर आप एक बोरा चावल लेते हैं या एक ट्रक चावल लेते हैं या एक झोला चावल लेते हैं, क्या चीज बदलती है और क्या नहीं बदलती? आंसर है उसकी कॉस्ट, टोटल वैल्यू बदलेगी लेकिन उसका रेट नहीं बदलेगा। रेट तो भाई 20 रुपीज है लेकिन टोटल वैल्यू किसी की 400 किसी की 4000, तो टोटल वैल्यू जो है उसको हम क्या बोलते हैं? आर, रेसिस्टेंस। और जो रेट है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं बदलता है जब तक आप मटेरियल नहीं बदलते। अगर आप चावल की जगह गेहूं कर दें, शक्कर कर दें, रेट बदल जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बदल जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू। ओके, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है V अपॉन I, ये किसका है? R का। R किसके बराबर होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये दो फॉर्मूला देखिए, ये भी R का फॉर्मूला है और ये भी R का फॉर्मूला है, इनको देखकर बताइए। ये L इसमें भी है, A इसमें भी है, तो रो किसके बराबर हुआ? रो इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन अपॉन इसमें से L और A, ये दोनों कम हो जाएंगे। अगर ये दोनों कम हो जाएंगे तो बाकी का पोर्शन क्या बचेगा? रो, ठीक है। तो ये है रेसिस्टिविटी। तो जब हम रेसिस्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है हमने अगले टॉपिक में, उसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, रेसिस्टिविटी इज एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, एंड रेसिस्टेंस में एल और ए और आ जाएगी।
एल और ए किसकी प्रॉपर्टी होती है? सैंपल की, गिवन सैंपल, इसलिए रेसिस्टेंस गिवन सैंपल का अलग अलग होगा. लेकिन रो में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए, देयरफॉर एल और ए से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. रेसिस्टिविटी रिमेन सेम टिल मटेरियल रिमेन सेम. एंड किसके लिए है? मटेरियल. अगर हम एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लेते हैं तो क्या बदल जाता है? एंड बदल जाएगा, इसलिए रेसिस्टिविटी बदल जाएगी. तो ये इसका रिलेशन हुआ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. इसके बाद एक दो फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, विच इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. तो अपना नोट करिए कंडक्टेंस. इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म रेसिस्टेंस का क्या होता है?
रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, तो ये क्या बना? रेसिस्टिविटी। अब रिलेशन देखिए, वी नो दैट I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। I को हम लोग लिख सकते हैं J इंटू ए, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। दिस इज इक्वल टू V। V को क्या लिख सकते हैं? E मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस रो L अपॉन A। ओके, इसमें कैंसिलेशन करिए, ये ए ऊपर जाएगा और इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एल बी बन जाएंगे। दिस जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, और वन अपॉन रो किसके बराबर होता है? सिग्मा, कंडक्टिविटी। सो दिस इज कंडक्टिविटी इनटू ई। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी। अलग अलग मेटल में ये इंक्रीज अलग अलग होती है।
इस इंक्रीज के लिए हमने एक कोएफिशिएंट बनाया। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक यूनिट रेसिस्टेंस को लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज किया तो उसका रेसिस्टेंस कुछ बढ़ जाएगा। जितना उसका रेसिस्टेंस बढ़ा उसको क्या बोलेंगे, उसका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, तो ये है कोएफिशिएंट, तो नोट करिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी बॉडी का कुछ रेसिस्टेंस था आर नॉट, उसको हमने टी सेल्सियस इंक्रीज किया। टी सेल्सियस इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया और उसका नया रेसिस्टेंस आ गया आर टी। तो इंक्रीज कितना हुआ, आर टी माइनस आर, ये इंक्रीज हुआ। कितने रेसिस्टेंस में ये इंक्रीज हुआ, आर नॉट में। अगर आर नॉट में कितना इंक्रीज होता है तो एक रेसिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा, आर नॉट में ये वाला इंक्रीज हुआ तो एक रेसिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा डिवाइडेड बाय आर नॉट। कितना टेम्परेचर बढ़ाया था, ये जो टी टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, टी टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो 1 डिग्री बढ़ाने से कितना बढ़ेगा जी। अब ये क्या बन गया, इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस पर यूनिट रेसिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर, यानी 1 ओम हमने लिया। इधर ध्यान दीजिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम हमने लिया, उसका रेसिस्टेंस 0 डिग्री पर देखा, उसके बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, सिर्फ 1 डिग्री रेसिस्टेंस जितना बढ़ गया उसको क्या बोला जाएगा, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। हर चीज का टेम्परेचर हमने उसका रेसिस्टेंस कितना लेना है, 0 डिग्री पर हमने उसका रेसिस्टेंस लेना है और 1 ओम में कितना इंक्रीज होता है ये निकालना है, 1 ओम में, टोटल में नहीं। अगर हमने एल्यूमिनियम को लिया और उसका रेसिस्टेंस 50 है तो 50 ओम में जो इंक्रीज हुआ उससे हम क्या निकाल लेंगे कि 1 ओम में कितना इंक्रीज हुआ। कोएफिशिएंट तभी बनते हैं, किसी भी चीज का कोएफिशिएंट में सब क्वांटिटीज को हम क्या कर देते हैं, 1 1 1। 1 ओम रेसिस्टेंस लो एल्यूमिनियम का, 0 डिग्री से 1 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, जितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। वैसे ही कॉपर को लेके आए, किस टेम्परेचर पे रखा, 0 पे, कितना कॉपर लिया, इतना कॉपर लिया जिसका रेसिस्टेंस कितना हो, 1 हो, अब उसको 1 डिग्री गर्म करो, तो हमने सबकी कंडीशन सिमिलर कर, हर एक को कितने पे रखेंगे, 0, कितना बड़ा टुकड़ा लाएंगे जिसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 1, उसके बाद गर्म भी कितना करेंगे, 1। अब जितना जितना हर एक का रेसिस्टेंस बढ़ेगा वो हर एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये उसका फॉर्मूला बना अल्फा का, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, टी इज 1 टेम्परेचर। आर टी रेसिस्टेंस एट टी, आर नॉट रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बियॉन्ड 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
इसी फॉर्मेट को हम लोग और यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा भी बना सकते हैं, आर डी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डी, ऐसा भी बनाया जा सकता है। दिस गिव्स अस द टेम्परेचर एट टी। ओके, क्या आप अल्फा की यूनिट बता सकते हैं? पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री टेम्परेचर? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। नेक्स्ट देखिए, फॉर इंसुलेटर्स अल्फा इज नेगेटिव, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एलॉयज लाइक मैंगनीज, यूरेथा, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। Temperature coefficient. It is due to these qualities that they are used to make standard resistances. ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस क्या होता है? हमारी लैब में हमने कंपैरिजन करने के लिए पहले से कुछ स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाकर रखे होते हैं। एक तार आपको मिलेगी प्लास्टिक की डब्बी में बंद, और उस पर लिखा रहेगा 5 ओम, यानी उस तार का रेसिस्टेंस 5 ओम, किसी का 2 ओम, किसी का 1 ओम, इस तरह से हमको रेसिस्टेंस मिलते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स हमें मिलते हैं, बॉक्स के अंदर तारे लगी रहती हैं, उनके रेसिस्टेंस फिक्स होते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें से करंट जाएगी, वो गर्म होके उसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। हमने 2 रेसिस्टेंस बराबर किए, जैसे तराजू में हमने 2 पल्ले बराबर किए और एक तरफ हमने बाट रखा हुआ है 2 kg, तो इधर हमने सब्जी तौली, दोनों को बराबर कर दिया, तो सब्जी कितनी है? 2 kg। अब तराजू वाले ने अपनी कारीगरी दिखाई और इधर 2 kg के नीचे या ऊपर या सब्जी के नीचे उसने कुछ लगा दिया। अब ये जो 2 kg है, ये 1.25 किलो रह गया, तो हमारी सब्जी हमको कितनी मिलेगी? 1.25 किलो, और हमारी रीडिंग गलत हो गई।
मेजरमेंट हमारा गलत हो गया, क्यों? उस 2 kg की वैल्यू पर। ठीक है, तो जिस समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिस स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। रेसिस्टेंस में जब हम 2 रेसिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, अगर उसकी वैल्यू बीच में बदल गई तो हमारे एक्सपेरिमेंट में जिसको हम नाप रहे हैं उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी और हम चाहते हैं कि वो न बदले। अगर ऐसा है तो हम क्या यूज करेंगे? एलॉयज यूज करेंगे। एलॉय क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एलॉय में करंट जाएगी, गर्म तो वो होगा लेकिन गर्म होने से उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, 0 के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो अगर उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है तो गर्म होने से उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका मतलब है कि अगर वो 5 ओम का गिवन रेसिस्टेंस है, थोड़ा गर्म भी हो जाएगा तो भी वो 5 रहेगा या 5.001 हो जाएगा बस। तो उससे हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये याद रखिए, दिस इज अ मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जब भी आपको ओम्स लॉ मिलेगा या रेसिस्टेंस वाला कोई भी एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसमें हमेशा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये डब्बा क्या है। यू विल से इट इज ए रेसिस्टेंस बॉक्स। बोलेंगे इसके अंदर रेसिस्टेंस किस चीज का बना है। देन यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, मैग्नेट, यूरेका और कॉन्स्टेंट। देन ही विल से व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड कॉपर। द आंसर, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, इट डज नॉट हैव मच रेसिस्टेंस, देयरफॉर वी नीड समथिंग व्हिच हैज लार्ज रेसिस्टेंस एंड दीज मटेरियल हैव गॉट लार्ज रेसिस्टेंस। देन which is the other characteristic which is necessary in the standard resistance? The answer, its coefficient of temperature coefficient of resistance is almost 0, negligible. This is the property because of which only these materials are used. So ye external hamesha poochte hain aur unka ye sunne ka करेक्ट वो तब मानेंगे जब आप उनको बोलेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका 0 या नेग्लिजिबल। दिस इज समथिंग दे वांट टू नो कि आपको ये वाला नॉलेज है या नहीं। ठीक है, सो व्हाई डू वी यूज दिस मटेरियल, व्हिच आर द 2 characteristics फॉर व्हिच वी यूज दिस मटेरियल एज स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस? नंबर 1, दे हैव हाई रेसिस्टेंस। नंबर 2, देयर कोएफिशिएंट इज वेरी लो। ठीक है, ये याद रहेगा। सो दिस इज फॉर एलॉयज। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी तक हमने देखा मेटल के लिए एलॉय के। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं? Number of free electrons per unit volume.
जब आप इंसुलेटर को गर्म करते हैं तो बहुत सारे एटम्स जो नहीं टूटे हुए होते एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकलते हैं, तो दिस नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। टाउ उसका भले छोटा हो जाता है पर ये एन ज्यादा होता है, और अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है और टाउ की वैल्यू बहुत कम कम, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, एन का। और अगर एन इंक्रीज होगा बढ़ जाएगा तो आर पे क्या इफेक्ट होगा, आर डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर एन बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका रीजन लिख लीजिए, ऑन हीटिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड is very large. Therefore, resistance decrease. Next, semiconductors. सेमीकंडक्टर में भी इंसुलेटर का ही नियम रहता है। व्हेन द टेम्परेचर डिके, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस एंड increase exponentially. And increases exponentially. Therefore, the resistivity decreases. Therefore, resistivity decrease. That is, conductivity increase. That is, conductivity increase. ये semiconductor हुआ, अच्छा। ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसमें फ्लो होने वाली करंट भी इंक्रीज होगी। दिस इज ए कंडक्टर, इस कंडक्टर में रेसिस्टेंस है, इसके दोनों एंड्स में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बैटरी की हेल्प से, और इसके कारण इसमें करंट फ्लो होती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और आई, इनका रिलेशन क्या होता है? आंसर है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दिस इज इक्वल टू आर इनटू आई। देयर आर इज ए कांस्टेंट, वी कॉल इट रेसिस्टेंस। ओके, ये रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? ये रेसिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पता है, दिस इज एन, जो भी आपने इसका पढ़ा है, ml upon any square a tau। ओके, ये रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा, v और i इन दोनों की पावर 1 है एंड दिस शोज दैट दे हैव गॉट ए लीनियर रिलेशनशिप v एंड i। व्हेन वी इंक्रीज v, i विल आल्सो इंक्रीज एंड देयर इज ए लीनियर
graph. If this is V, this is I, linear graph. ये जो behavior है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I उसी proportion में बढ़ता जाएगा, भले V हमने 1 से 2 volt किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, हर बार I की increase एक समान होगी. ये वाला behavior है ohmic behavior. ओम्स लॉ को फॉलो करता है और उसका ग्राफ ऐसे बनता है. लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे मटेरियल देखते हैं जिसमें हमने यहां पर वोल्टेज बढ़ाया 1, करंट इंक्रीज हुई 1, फिर वोल्टेज बढ़ाया 1, करंट इंक्रीज हुई 1, ऐसा करते करते लास्ट में जब हमने वोल्टेज फिर से 1 बढ़ाई, जैसे वोल्टेज 100 टू 101 किया, 1 वोल्ट बढ़ाई, लेकिन अब उसकी करंट 1 वोल्ट नहीं बढ़ती है, 1 एम्पीयर करंट नहीं बढ़ती, अब उसकी करंट सिर्फ 0.8 एम्पीयर बढ़ती. फिर हमने 1 वोल्ट और बढ़ाया तो फिर से क्या देखा, 0.7 एम्पीयर की बढ़ी, जबकि शुरू में क्या हो रहा था, 1 वोल्ट बढ़ाने से 1 एम्पीयर बढ़ती थी, बाद में 1 वोल्ट बढ़ाते हैं तो सिर्फ 0.1 एम्पीयर बढ़ती है. ऐसा होता है बहुत सारे मटेरियल में. जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो हम वर्ड यूज करेंगे दैट दिस इज नॉट डूइंग द ओमिक बिहेवियर. नाउ दिस इज शोइंग ए नॉन ओमिक बिहेवियर. तो ओमिक बिहेवियर क्या होता है, जब तक V और I दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब देखिए नॉन ओमिक बिहेवियर में हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट बढ़ी, फिर वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट बढ़ी, फिर वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट बढ़ी, अब वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट कम बढ़ी, फिर इंक्रीज किया कम बढ़ी, फिर करंट को ये कम बढ़ी. अब यहां पर आप देखिए स्लोप चेंज हो गया. यहां पर ये हो रहा था कि जब हम वोल्टेज को इतना बढ़ाते हैं 1, 2, 3 तो इतनी करंट बढ़ती है, लेकिन यहां पर यहां से यहां तक जब हम इसको 1, 2, 3 बढ़ाते हैं 1, 2, 3 तो करंट सिर्फ इतनी सी बढ़ती है बस, जबकि यहां करंट इतनी बढ़ी थी, यहां करंट इतनी बढ़ी है तो उसने अपना प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं किया. ये कौन सा बिहेवियर हो गया, नॉन ओमिक बिहेवियर. ये होता है नॉन ओमिक बिहेवियर व्हेन इट डिपार्ट्स फ्रॉम द ओम्स लॉ एंड डज नॉट फॉलो इट. क्या ऐसा होता है, तो आंसर है हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा होता है एंड वी मस्ट नो व्हाट आर दोस स्पेशल केसेस एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. रीजन जैसे जैसे उसका टॉपिक आएगा हमें उसके रीजन पता लगते जाएंगे, लेकिन हम कुछ ये जान सकते हैं कि ऐसे कौन से सर्किट्स होते हैं जिसमें ये बिहेवियर नॉन ओमिक होता है. तो पहली चीज, कोई भी कंडक्टर जिसमें हम वोल्टेज लगा के करंट फ्लो कराते हैं, जब इसकी वोल्टेज बहुत हाई हो जाती है तो उसकी करंट भी हाई हो जाएगी. करंट हाई होते 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 एक ऐसी लिमिट आ जाती है, इतनी ज्यादा करंट इंक्रीज हो जाती है कि फिर जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट उतनी नहीं बढ़ता. जैसे हमने एग्जांपल शुरू में बताया 0, 1, 2, 3 वोल्ट हमने दिया, करंट भी 0, 1, 2, 3 बढ़ी, लेकिन 100 वोल्ट के बाद हमने वोल्टेज कर दिया 101, तो हम क्या देखते हैं, करंट 101 नहीं हुई, करंट 100.6 हुई. अब क्या हुआ कि वोल्टेज को तो हमने 1 बढ़ाया लेकिन करंट 1 ऊपर नहीं गई, कम ऊपर गई. ये कंडक्टर्स में हो जाता है, फॉर वेरी हाई वोल्टेज फॉर वेरी हाई करंट इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ. ठीक है, तो पहली चीज नोट करिए, नॉन ओमिक सर्किट्स, सच सर्किट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट्स, आर कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट्स. Full stop. It is quite possible
that for a certain range of voltage, that for a certain range of voltage, the circuit follows Ohm's law and for some range of voltage it does not follow Ohm's law. नीचे लिखिए कंडक्टर्स. When the current in conductors become very high, when current in conductors become very high, then it deviates. Then it deviates from Ohm's law. Then it deviates from Ohm's law. And for increase of voltage, and for increase of voltage, the current do not increase in the same proportion. Current do not increase in the same proportion. ओके इसके लिए ये वाला डायग्राम बनाइए. शुरू में स्लोप ज्यादा रहेगा और बाद में स्लोप कम हो जाएगा. ये किसके लिए हो गया? कंडक्टर्स के लिए. तो यहां से यहां तक इसका बिहेवियर कैसा है? ओमिक. और ये वाला बिहेवियर कैसा कहलाएगा? नॉन ओमिक. अब यहां पर हम देखते हैं V और I ग्राफ और सेमीकंडक्टर यहां से ऐसे जाता है. जब 0.6 वोल्ट या एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ जाएगी उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा. तो यहां पर देखिए ये वाला स्लोप अलग है, ये स्लोप अलग है और ये स्लोप अलग है. दिस इज ए नॉन ओमिक बिहेवियर. उसी सेमी कंडक्टर में अगर हम प्लस और माइनस को उल्टा कर दें, पोलैरिटी चेंज कर दें, रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज दें माइनस डायरेक्शन में, तो करंट उल्टी डायरेक्शन में जाएगी. उसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं? शुरू से ही करंट का बढ़ना शुरू हो जाता है. लेकिन शुरू में तो करंट बढ़ती है और जब और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट का बढ़ना बंद हो जाता है. करंट की हाइट आप देख रहे हैं, हाइट बराबर हो जाती है, करंट इंक्रीज नहीं होती. दिस इज अगेन ए नॉन ओमिक बिहेवियर. तो फॉरवर्ड बायसिंग इसको बोलते हैं. सीधी वोल्टेज लगाएंगे प्लस तो या नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो दोनों केसेस में सेमीकंडक्टर्स नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाते हैं. ये इस तरह से. लेकिन अगर आप इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे, जैसे इस वोल्टेज से लेके इस वोल्टेज तक, इस वोल्ट पे ये वाला पॉइंट और इस वोल्ट पे ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच कैसा बिहेवियर? स्ट्रेट लाइन. दिस इज ए ओमिक बिहेवियर.
ओवरऑल कैसा है, नॉन ओमे, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन में ओमे, ये चीज आपने लिखी है. फॉर सम रेंज ऑफ वोल्टेज इट विल बी नॉन ओमे, फॉर अदर रेंज ऑफ वोल्टेज इट मे बी ओमे. तो ये हो सकता है, सेमी कंडक्टर हमेशा नॉन ओमिक हो, नॉट नेसेसरी. वैसे ही जब हम यहां से यहां तक का पोर्शन लेंगे, छोटा सा पोर्शन, दिस विल बी ओमिक. पर इसको यहां से लेके यहां तक लेंगे, देन इट विल बी नॉन ओमिक. सो दिस इज सेमी कंडक्टर इज वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट्स. तो ये होता है ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट्स. लेकिन हमारा सर्किट ओमिक हो या हमारा सर्किट नॉन ओमिक हो, कैसा भी सर्किट हो, हर समय रेसिस्टेंस की वैल्यू हमेशा वी अपॉन आई ही रहेगी. ओमिक सर्किट है तो भी वी अपॉन आई, और नॉन ओमिक सर्किट है तो भी वी अपॉन आई. ये रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर हमने यहां पर हमने रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाली, मान लीजिए ये पूरी करंट है 0.1 एम्पियर, यहां पर वोल्टेज है 2 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज है 3 वोल्ट. तो जब हम इसको 2 वोल्ट देते हैं तो रेसिस्टेंस आता है 2 अपॉन 0.1, दैट इज इक्वल टू 20. ये वाली रीडिंग अगर हम लेते हैं तो 3 वोल्ट पर भी करंट कितनी है 0.1, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 30. तो अब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है कितना, 20 की 30. तो हमारा आंसर है 2 वोल्ट पर इसका रेजिस्टेंस 20 है, 3 वोल्ट पर इसका रेजिस्टेंस 30 है. इधर 6 वोल्ट में आके फिर यहां स्लोप निकालेंगे वी अपॉन आई, उससे फिर उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो ये हम जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं. रेसिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट वोल्टेज. ओके, लेकिन हमेशा अभी स्ट्रेस हम ये कर रहे हैं कि जब भी रेसिस्टेंस निकालना हो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वी अपॉन आई, और इस फॉर्मूले में कुछ भी ओमिक या नॉन ओमिक नहीं होगा. फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, वी अपॉन आई, भले हमारा सर्किट ओमिक हो भले हमारा सर्किट नॉन ओमिक हो. नोट करिए, हाउएवर हाउएवर द रेसिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एट एवरी पॉइंट. हाउएवर रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट एवरी पॉइंट बाय द फॉर्मूला R is equal to V upon I. R is equal to V upon I. ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा. सो दिस इज नॉन मूविंग बिहेवियर. अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, दैट इज पढ़ा था रेसिस्टेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ता है, बाकी हर चीज में रेसिस्टेंस कम हो जाता है. उसमें शायद एक चीज छूट गई थी, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में जरा देखिए रेसिस्टेंस का क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है. ओके, दैट्स व्हाई रीजन लिखा उसका. ओके, अब रेसिस्टेंस और टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ खास तरह के मटेरियल होते हैं, एंड वी कॉल देम थर्मिस्टर. सो व्हाट इज ए थर्मिस्टर? थर्मिस्टर इज ए डिवाइस जिसमें दो शब्द आते हैं, थर्म और हीट, टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर, दैट इज रेसिस्टर का ये वाला पोर्शन. दिस मीन्स इट इज एन ऑब्जेक्ट हुज रेसिस्टेंस चेंज वेरी शार्पली विद टेम्परेचर. इट इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका रेसिस्टेंस बहुत बदल जाएगा. इस डिवाइस को हम लोग
बड़े अच्छे से यूज करते हैं। एक हमारे पास ये थर्मिस्टर है, इस थर्मिस्टर को हमने एक सर्किट बनाकर ये एक मेटल ट्यूब के अंदर डाल दिया। ये यहां पर थर्मिस्टर है, इसमें ये इसके कांटेक्ट में है। यहां पर हमने इसके साथ एक छोटी सी सेल, एक सेल लगा दिया। इस सेल के साथ यहां पर एक एम्पियर मीटर लगा दिया जो कि डिजिटल एम्पियर मीटर है। अब ये एक सर्किट बन गया। इस सर्किट में ये रेसिस्टेंस है थर्मिस्टर का, ये वोल्टेज लगी हुई है और ये जो भी करंट सर्किट में फ्लो होगी उसको ये दिखाएगा। इसको उठाकर हमने उबलते हुए पानी में डाला। बॉइलिंग वाटर में डालने से इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से इसका रेसिस्टेंस शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट का क्या होगा? रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया, करंट कम हो जाएगी और इसकी करंट कम होके इसको हमने ऐसा लगाया, ये इधर करंट आ गई इसकी और इसको यहां पर हमने लिख लिया 100 डिग्री। उसके बाद इसको निकाल के आइस वाटर में डाला। आइस वाटर में डालने से इसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो गया। कम रेसिस्टेंस होने से करंट इसकी बढ़ गई। करंट बढ़ने से ये इंडिकेटर यहां पर आ गया और यहां पर हमने नोट कर लिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसके बीच कहीं भी जाएगा हमको क्या पता लग जाएगा? टेम्परेचर। इस तरह से हमको ये टेम्परेचर का इंडिकेशन देगा एंड दिस विल बी नोन एज थर्मामीटर। ओके, सो दिस इज थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर बहुत सेंसिटिव थर्मामीटर होता है और अभी आप सब लोग इसको यूज करते हैं, दैट इज डिजिटल थर्मामीटर। सब डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं। उस डिजिटल थर्मामीटर में सामने जो आप देखते हैं उसमें मर्क्यूरी नहीं होता है, उसमें थर्मिस्टर होता है, सॉरी थर्मिस्टर रहता है उसमें और इस थर्मिस्टर से ये बना रहता है। ठीक है, सो दिस इज थर्मिस्टर। नोट करिए थर्मिस्टर के लिए एक लाइन, थर्मिस्टर इज ए मटेरियल विच इज वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। थर्मिस्टर इज ए मटेरियल विच इज वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज वेरी हाई। Its temperature coefficient is very high. For a small increase of temperature, its resistance increase sharply. Therefore, it is used for thermometers and process control devices in the plant. ठीक है, जहां पर भी हमको ऐसा लगाना है कि मोटर अगर थोड़ी सी भी गर्म हो, बंद हो जाए, तो उसके साथ हम एक थर्मिस्टर लगा देंगे बॉडी के साथ। मोटर थोड़ी सी गर्म होगी, इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये कहीं ना कहीं रिले को ऑपरेट करके मोटर को बंद कर देगा। सो दिस इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। अब दूसरी चीज जो हमने इसमें स्टडी करनी है, दैट इज सुपर कंडक्टर। Its conductivity is zero. Sorry, its resistance is zero. Conductivity is infinite. Note करिए, superconductor is a material. Superconductor is a material whose resistivity is zero.
the resistivity is 0 and conductivity is almost infinite. Conductivity is almost infinite. Next, superconductor has many advantages for us. Superconductor has many advantages because of its zero resistance. Number one, ये application उसके हम note कर रहे हैं, where can be used superconductors. Number one, these can be used to make strong electromagnets. ये strong electromagnet क्या होता है? Magnet किस तरह से बनाए जाते हैं electromagnet? ये एक लोहे का पीस है और इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक कॉइल लपेट दी है. इस कॉइल में करंट फ्लो होती है I. इसमें ये जो करंट फ्लो होती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला होता है वो आप मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ेंगे. B is equal to mu naught and I. जितनी ज्यादा करंट होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा. इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाकर हम बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री में भी बहुत से काम होते हैं. जैसे स्टील प्लांट में अगर हमको एक स्टील की प्लेट उठानी है तो क्रेन में हम इस पीस को लेकर जाएंगे और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये मैग्नेट बनेगा और इस प्लेट को ऐसे उठा लेगा. मैग्नेट इस प्लेट को उठा लेगा, उसके बाद क्रेन इसको उठाकर दूसरी जगह ले जाकर डंप कर देगी जहां इसको रखना हो. ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे काम हम इससे करते हैं. अब इस एक प्लेट का मास, इसका वजन एक टन हो सकता है, दो टन हो सकता है. एक प्लेट का दो टन की प्लेट को उठाने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए जो दो टन की प्लेट को चिपका कर ऐसे ऊपर उठा. अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आई भी बहुत ज्यादा चाहिए. अगर आई हमको बहुत ज्यादा चाहिए तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई आर. बी तो हमारा लिमिटेड है, आर कैसा होना चाहिए? आर कम से कम होना चाहिए. अगर हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका आर जीरो हो तो आई कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट. तो इसकी स्ट्रेंथ भी कैसी हो जाएगी? Infinite. It will be very strong. एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट दो टन के लोहे को उठा सकता है. तो इंडस्ट्री में इससे बड़ा बूम आ जाएगा, बहुत कन्वीनियंस हो जाएगा अगर हम सुपर कंडक्टर से इस तरह से मैग्नेट्स बनाएं. इसी तरह से सुपर कंडक्टर्स को ही हम कल्पना कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस जीरो होने से हमको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं. अभी जो हम एसी में पढ़ेंगे, एसी जनरेटर्स जो हमारे पावर हाउस में चलते हैं, जितनी करंट वहां से निकलती है पूरी की पूरी करंट एसी जनरेटर की कॉइल में से ही आती है और उस कॉइल का गर्म होना जरूरी है क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होती है और ये जो हीट होती है दैट इज ड्यू टू रेसिस्टेंस. और अगर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो उसकी हीट भी बहुत कम हो जाएगी and then we can draw more and more current out of it. तो इसलिए सुपर कंडक्टर्स के हमारे ये बहुत सारे बेनिफिट है. एक आपने लिखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा लिखिए इन रिसर्च ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स. इन रिसर्च ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल for making super speed computers.
फॉर मेकिंग सुपर स्पीड कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सा डाटा हमको ट्रांसफर करना होता है विद इन माइक्रोसेकेंड, और उतना डाटा के लिए रेसिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अभी हमारी लिमिट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें तार में जिसमें से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, और उस रेसिस्टेंस के कारण जो स्पीड होती है वो लिमिटेड हो जाती है, एक लिमिट से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ पाती क्योंकि रेसिस्टेंस है. अगर रेसिस्टेंस जीरो होगा तो हम जितना मर्जी उसमें से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, जितना मर्जी डाटा पास कर लेंगे, और वो हीट अप नहीं होगा और उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. इस तरह से रेसिस्टेंस कम होने से हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, तो कंप्यूटर्स के लिए ये एक वरदान हो जाएगा अगर हम सुपर कंप्यूटर सुपर कंडक्टर डेवलप कर सके तो. ओके, नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बताया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उनको 60 यूनिट ही वो घरों में पहुंचा पाते हैं, 40 यूनिट हीट में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन से, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक हमको पावर ट्रांसमिट करनी होती है, और पावर जब भी करंट जाएगी तो उसमें से हीट बनेगी एंड दैट हीट विल बी लॉस्ट. I square R, जितनी करंट हम भेजेंगे उतनी हीट लॉस हो जाएगी. ओके, इसके हमारे पास तरीके हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कि कितनी हीट लॉस होती है. लेकिन हीट लॉस होती है, और हीट लॉस किसके कारण होती है, रेसिस्टेंस. अगर हमको सुपर कंडक्टर से बनी हुई तार मिल जाएगी तो हमारे हीट लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे. अगर हमने अभी 10 पावर हाउस लगाए हुए हैं तो ये मानकर चलिए कि 4 पावर हाउस की पावर हम खाली हीट में वेस्ट कर रहे हैं, 6 को यूज कर रहे हैं, 4 का हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट मैन पावर पूरी वेस्ट जा रही है ट्रांसमिशन लॉसेस. इसका ये मतलब है कि अगर हम सुपर कंडक्टर यूज करें तो हमारी कैपेसिटी वैसे ही करीब करीब डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस बंद हो जाएंगे. सुपर कंडक्टर इज सो इफेक्टिव क्योंकि उसका रेसिस्टेंस नहीं होगा, कहीं भी हम पावर भेजेंगे रास्ते में पावर लॉस नहीं होगा, पूरी पावर दूसरी जगह पहुंचेगी. ओके, तो अगर सुपर कंडक्टर इतने सारे फायदे हमको दे सकता है, कंप्यूटर की स्पीड इन्फिनिट कर देगा, पावर लॉसेस जीरो कर देगा, हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डबल होकर हमारे काम में आएगा. इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स बन जाया करेंगे, हमको बड़ी बड़ी चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतनी सब क्रांति हो सकती है सुपर कंडक्टर से, तो सुपर कंडक्टर हम बनाते क्यों नहीं. तो आंसर है कि अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई है. तो सुपर कंडक्टर में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो हम काम नहीं कर सकते, तो आंसर है अभी तक जो हमने सुपर कंडक्टर बनाए हैं उसके लिए हमको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है. टेम्परेचर लो करते 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 रेसिस्टेंस कम होते जाता है. फिर से याद करिए, कंडक्टर्स में हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है. उल्टा करो, टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा. इस तरह से करते 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 इतना लो टेम्परेचर आएगा कि उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और जैसे ही रेसिस्टेंस जीरो होगा वो मटेरियल कन्वर्ट किस में हो गया, सुपर कंडक्टर. सो नोट करिए, ए सुपर कंडक्टर कैन बी मेड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. सुपर कंडक्टर कैन बी मेड बाय
lowering the temperature. कितना लो करना पड़ता है? अच्छा, तो एक चीज और लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल कन्वर्ट्स टू सुपरकंडक्टर, इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. कुछ मटेरियल के क्रिटिकल टेम्परेचर नोट करिए. मर्क्यूरी Hg हैज क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन. लेड Pb टेम्परेचर 7.25 केल्विन. ओके, उसके बाद देयर आर मेनी एलॉयज विच हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर क्योंकि अभी जो आपने टेम्परेचर लिखे ये इतने लो हैं कि इसको हम लोग प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते, सिर्फ लैब कंडीशन में ही अचीव कर सकते हैं. इस पर सुपर कंडक्टर बना के हम उसमें काम नहीं कर सकते. ओके, तो लिखिए, नाउ वी हैव सम एलॉयज which have critical temperature of 125 Kelvin. पर हमको जो वैल्यूज चाहिए उतनी अच्छी वैल्यूज उसमें नहीं मिलती, और अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, उसमें अलग अलग मटेरियल होता है. तो रेसिस्टर बनाने के लिए जो बेस्ट मटेरियल सोचा गया और जो सस्ता भी है वो है कोयला, कोल, और उसका प्योर फॉर्म कार्बन. तो कार्बन पाउडर से रेसिस्टर बनाए जाते हैं. कार्बन पाउडर को इस तरह से बना लिया जाता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बहुत पतला, जितना एक पेंसिल के अंदर आपने देखा है ग्रेफाइट रहता है उतना मोटा, और उसमें उसके ऐसे पीस करके छोटे छोटे पीस बना दिए जाते हैं एक एक सेंटीमीटर के. उसके बाद दो कंडक्टर के रिंग और इसके बीच में ये कार्बन डाल दिया जाता है, इधर से करंट जाएगी, इधर से करंट आएगी. अब इसको इस कार्बन में से जाना है, तो कार्बन का जो भी रेसिस्टेंस है इसके सीरीज में आ गया,
इसके रास्ते में आ गया एंड दिस हैज बिकम ए रेसिस्टर. दिस इज द कार्बन रेसिस्टर. तो कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू, कार्बन को हम इसलिए यूज करते हैं कि इसका टेम्परेचर टॉलरेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होता है तो इसकी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. आता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. दूसरा, कार्बन हमको सस्ता मिलता है, उसका प्योरिफिकेशन करना आसान है और ये रेसिस्टर बनाने आसान है. ये कार्बन रेसिस्टर होते हैं. अभी हमको ये स्टडी करना है कि ये कार्बन रेसिस्टर जो हमारी सब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में फैले हुए हैं उसको देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है. बस सिर्फ ये छोटी सी चीज है कि उसको देख के कैसे पता लगाएंगे. एक बड़ा ऑब्वियस तरीका है कि उसके ऊपर लिख देंगे कि ये इतने ओम का है और उसको पढ़ लेंगे. लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम छोटा सा ये जुड़ा हुआ है कि दो तरह के प्रॉब्लम है. एक ये है कि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते और दूसरा बहुत से लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए होते. जैसे यहां हमने रेसिस्टर बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया जर्मनी. हमने इंग्लिश में लिखा है, जर्मन वाले इंग्लिश नहीं समझते. हमारे यहाँ जो मटेरियल चाइना से आता है वो जो उसके चाइना की कोडिंग करते हैं हम लोग नहीं समझते. इस तरह से हम सबकी अलग अलग लिपि है, अलग अलग स्क्रिप्ट है, इसलिए हम लोग एक दूसरे की भाषा लिखी हुई नहीं समझते. हाँ, एक चीज हम सब जानते हैं कि अगर एक चीज का कलर रेड है तो आप किसी भी देश में जाइए वो रेड ही रहेगा. तो कलर एक ऐसा कोड है जो कि हमको वैल्यू बता सकता है भले हम किसी भी लैंग्वेज में जाएं. इसलिए रेसिस्टेंस कितना ज्यादा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इसके लिए हम कलर कोड यूज करते हैं. कलर कोड किस तरह से यूज करते हैं, तो पहले हमने ये सोचा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे बताना चाहते हैं. कैसे बताना चाहते हैं मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर में बताना चाहते हैं. तो उसके लिए हमने देखा कि रेसिस्टेंस हमको बताना है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 80 ओम, दो सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये जो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको बताने के लिए हमने यहां पर एक रिंग लगा दिया और यहां एक दूसरा रिंग बना दिया. ये दो रिंग में अलग अलग कलर देंगे और हर कलर को हमने एक कोड दे दिया. अगर ब्लैक लिखा है तो हम समझेंगे 0 है और इसी तरह से अगर दूसरे कलर है तो उस कलर का हमने एक एक कोड बनाया हुआ है. कोड को हम याद करते थे. हर देश में उस कोड को याद कर लिया जाता है कि इस कलर का न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है, उसको देखकर उनको पता लग जाता. सिस्टम हमने क्या बनाया हुआ है कि हम सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, ये पहली लाइन से और ये दूसरी लाइन से. फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग. ओके, फर्स्ट रिंग हमको देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड रिंग हमको देता है सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अब अगर हमारे पास एक रेसिस्टेंस है जो 30 ओम है तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3. दूसरा क्या है? 0. अगर एक दूसरा रेसिस्टेंस है जो कि 3000 ओम है तो पहला 3 और दूसरा 0, दोनों में कोई अंतर नहीं है. लेकिन हमको पता लगाना है कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग कोडिफाई करना है. तो जो तीसरी चीज हम बनाते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेट. अगर ये 3 है, ये 0 है, तो ये हमको बताएगा कि इसको आप 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300,000 हो जाएगा. तो ये जो तीसरा है ये हमको देता है पावर, 10 की कितनी पावर रहेगी, ये यहां पर आएगा. दिस इज मल्टीप्लिकेशन.
कलर आई डी। फिर से दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये पहले रिंग से आएगा, ये दूसरे रिंग से आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, ये पावर तीसरे रिंग के कलर से आएगी। इस तरह से पहले दूसरे तीसरे का कलर हम यूज कर लेंगे, तीन कलर से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद ये होता है, इसकी क्वालिटी पर हम आते हैं, वैल्यू से जितने से पता लगती है तीन रिंग से। ओके, उसके बाद एक चौथा रिंग इसमें और रहता है जो हमको इसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। अगर क्वालिटी हमको बहुत अच्छी चाहिए, ऐसी जगह यूज होना है कि उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक गोल्डन रिंग दे देते हैं। ये गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या दो कलर, जो भी हमने वैल्यू निकाली। अगर ये बहुत प्योर बना हुआ है तो ये प्लस माइनस 5% के अंदर होगा। दिस इज नोन एज टॉलरेंस। तो गोल्ड स्ट्रिप होने से उसकी टॉलरेंस 5% होगी, सिल्वर स्ट्रिप होने से 10%, और नो स्ट्रिप होगी तो 20%। ये कमर्शियल, नॉर्मली मार्केट में हमको बिना कलर वाले मिलते हैं, उनमें चौथा बैंड नहीं होता, दैट इज 20%। ये सस्ता मटेरियल होता है, लेकिन अगर एक अच्छे ब्रांड का आप मटेरियल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लेंगे, दे विल यूज आइदर सिल्वर और गोल्ड, तो उनका टॉलरेंस कम होगा और उनकी वैल्यू बहुत एग्जैक्ट आएगी। ओके, अब ये जो कलर है, इस कलर के वैल्यूज इसको आपने नोट करना है, उसमें मैं बता देता हूं कलर। ये फोर्थ बैंड का क्वालिफिकेशन लिखिए,
which has got the four bands. And those four bands are yellow, red, orange and gold. ये चार बैंड्स हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? Green, 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 green